तो आई के लिए मैंने बताया था कि सेंटेंस में अगर इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम का प्रयोग हो रहा है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा। परंतु अगर सेंटेंस में इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम का प्रयोग हुआ है, बात को अंतर को दोबारा समझो, अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ रहा है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा, यानी उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। परंतु सेंटेंस में अगर इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम इत्यादि का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस में आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखना चाहिए। मैंने आपको कहा कि यह पहली बार है कि मैं जयपुर में आया हूं, मैं इंग्लिश में कहूंगा इट इज फर्स्ट टाइम आई केम इन जयपुर, ऐसा गलत है, शुद्ध होगा इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर। सेंटेंस उतारो, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर, इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर, यह पहली बार है कि मैं जयपुर में आया हूं। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर या इट इज फर्स्ट टाइम का प्रयोग हुआ, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड शब्द नहीं आए और अकेला इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आए तब यह हैज हैव नहीं आएगा, तब यहां केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। बात सिर्फ इतनी समझे कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जबकि इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इत्यादि का जो मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और अंतिम जो शब्द है मेरे पास वो बच रहा है, एस का मतलब है सो फार। सो फार का हिंदी में मतलब होता है अब तक। मैंने आपको हिंदी में कहा कि अब तक तुमने क्या किया, मैं इंग्लिश में कहूंगा वॉट डिड यू डू सो फार, अगर मैंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है, शुद्ध क्या बनेगा वॉट हैव यू डन सो फार, वॉट हैव यू डन सो फार, तुमने अब तक क्या किया है। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस में अगर सो फार आ रहा है तो उस सेंटेंस को भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखते हुए हैज हैव का प्रयोग करना चाहिए तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। सेंटेंस लिखो, व्हाट हैव यू डन सो फार, और ये लगा दिया मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह, व्हाट हैव यू डन सो फार, तुमने अब तक क्या किया है। इस तरीके से ऊपर वाले सभी वाक्यों को पढ़ के आपने निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी वाक्य में येट ऑलरेडी जस्ट नाउ या सो फार या इट इज फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है तो आपको हमेशा यह समझ लेना चाहिए कि उस ऐसे सेंटेंस का जो टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी स्थितियां मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में आपको यह भी देखना चाहिए कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं